हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चश्मी किचन एंड ब्लॉग्स। तो चलिए आज हम नर्सरी चलते हैं। तो मैं शेर से नीचे उतर रही हूँ क्योंकि आज मेरा मूड कुछ ऐसा है कि मैं पैदल ही जाऊँगी। तो चलिए बता दीजिए दोस्तों कैसे हैं। और मुझे नर्सरी इसलिए जाने का मूड बना क्योंकि मुझे रोज़ प्लांट्स बहुत पसंद है और मेरे जो रोज़ प्लांट्स थे वो सूख गए, यानी कि वो कुछ चला नहीं। तो मैं स्पेशली रोज़ लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ और आज मैं चल के आई हूँ, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि आज हम नर्सरी में पैदल आए हैं क्योंकि ये हमारे घर से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं नर्सरी में आ गई हूँ और यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, जैसे मैरीगोल्ड भी हैं और भी बहुत सारे हैं जिसे हम हिंदी में गुलदौदी बोलते हैं और डहलिया भी बोल सकते हैं इसे। तो मुझे लेना बस रोज़ प्लांट था और गुलदौदी के एक बूटे लेने थे, तो इसलिए मैं आई। तो पहले मैं सोची चलो आप लोगों को भी अपने साथ नर्सरी की सैर करवा दूँ। तो मैं इस मैरीगोल्ड के प्लांट के पास हूँ, जो छोटे छोटे बहुत सारे फूल खिल गए हैं और बहुत सारे खिलने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं एक्चुअली पहले इशारे में घूम ली हूँ और उसके बाद मैं चूज की हूँ कि मुझे कौन से रोज के प्लांट लेने हैं। और प्लांट लेने से पहले मैं कुछ मिट्टी के गमले को परचेज की हूँ, तो इसे भी मैं यहाँ से 6 पीस और एक थोड़े से बड़े गमले को ले जाऊंगी यहाँ से। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर की हूँ, बट वो मैं गमले परचेज करते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वो बस थोड़े टाइम के लिए मैं उस समय परचेज कर रही थी और मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, इसलिए वो वैसा संभव नहीं हो पाया। तो देखिए मैं नर्सरी में देख रही हूँ इन सारे पौधों को और आखिरी में मैं इस गुलाब के पेड़ की जो नर्सरी के प्लांट हैं उसके पास जाकर मैं रुकी हूँ। तो यहाँ पे कुछ और भी पौधे हैं जिसे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इसके साथ जो ये रेड फ्लावर हैं इसके साथ कुछ एलोवेरा की भी पत्तियाँ दिख रही हैं। और इस तरह मैं एक रोज के प्लांट को ली हूँ और एक गुलदौदी के प्लांट्स को ली हूँ। और यहाँ से फिर आपको मैं ये थोड़े से सीन जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मैं इसमें शूट कर ली हूँ। और अब मेरा मन हो रहा है कि अब मैं घर चलूँ। तो लास्टली मूव करते हुए मैं इधर मैरीगोल्ड के पास से निकली हूँ और ये देखिए मैं इन गमले को घर में लाई क्योंकि मैं वहाँ आपको दिखा नहीं पाई थी। और मैं इसमें मिट्टी डलवाई हूँ, जो कि मेरे यहाँ काम करने के लिए आती हैं उनसे मैं बोली थी आंटी मेरे लिए आप मिट्टी ला दो, तो वो मिट्टी लाई हैं और बहुत अच्छे से सेट कर दिया उन्होंने गमले में खाद के साथ। तो मैं इसमें इन दोनों प्लांट्स को लगाऊंगी, एक तो ये रोज प्लांट्स हैं और दूसरे जो ये गुलदौदी के जो प्लांट्स हैं एक में उसमें लगाऊंगी। और एक जो बड़े से गमले हैं उसमें मैं अब अमरूद का पेड़ लगाऊंगी। तो ये देखिए ये कलर स्पेशली मैं इस गुलदौदी का फ्लावर एक्चुअली मेरे पास भी था लेकिन मैं इस कलर के चलते इसको लाई हूँ क्योंकि ये जो मैरून कलर है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए जब मैं लगाऊँ तो फ्रेंड्स जब मैं इसे गमले में लगाऊंगी यानी इसकी रिपॉटिंग करूंगी तब मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। वैसे मैं प्रोफेशनल तौर पे ये काम नहीं करती हूँ, मेरा काम नहीं है, मेरा तो किचन और ब्लॉग से रिलेटेड है, बट आई थिंक सो ये ब्लॉग ही है इसलिए मैं इसे आप लोगों के साथ शो की हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।